जैसे कि बहुत ही गर्मी का टाइम है, और दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा थोड़ी वेली हो गई, थोड़ा सा फ्री थी बिकॉज़ अभी मेरा मुझे दहलीज़ ने बोला कि आप हमारी दहलीज़ पे अभी आप लौटना, तो मुझे थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ब्रेक दिया कि टू बी विद माई सेल्फ एंड टू एन्जॉय माई कंपनी विद माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि मेरे जो जो मेरे जो चाहने वाले हैं वो भी मेरी तरह गर्मी में थोड़ा सा परेशान हो ही रहे होंगे, तो मैं क्यों ना उनके साथ अपनी जो अच्छी जो समझ को लेकर टिप्स है वो शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा एक फन सा शूट है वो आई एम डूइंग दिस टू जस्ट टू शेयर थोड़ा थोड़ा माई स्टाइल और थोड़ा थोड़ा टिप्स अबाउट समर्स। इट्स फन, इट्स नाइस, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली, सो इट्स अच्छा है, इट्स गुड। वैसे भी जब करीना कपूर के गाने बजते हैं ना तो आई लाइक इट ऑल द मोर, तो मैं तो बोलती हूँ हाँ करीना कपूर के गाने लगाओ, तो फिर अपने आप ही ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो मेकअप, ओके, तो मेकअप आई लव मेकअप बट आई डोंट लाइक टू मच ऑफ मेकअप, मुझे ज़्यादा मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि बहुत लोगों को भी नहीं पसंद होता है, पर उनका फिर ये होता है कि अगर हम मिनिमम रखें तो हम क्या करें ऐसा।
तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अगर मिनिमम रखना है ना, तो आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप करा है। आप बस आप एक पतला सा लाइनर लगाओ, काजल लगाओ, मस्कारा लगाओ, और आप एक न्यूड सा लिपस्टिक लगा लो। या तो जनरली मैं ऐसा मेरा मैं प्रेफर करूँगी कि आप गो फॉर पिंक शेड्स एंड पीच शेड्स, अगर आप फेयर हो एंड ऑल, तो आप ऐसे ब्राइट शेड्स लगाओ। और हाँ, अगर आपको लाइनर लगाने में थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप लाइनर मत लगा के सिर्फ मस्कारा के साथ खेल सकते हो। और आप यहाँ नीचे जैसे मैंने लगाया है, नीचे आप लाइनर लगा सकते हो आँख के नीचे, उससे आपकी आँखें बड़ी भी लगेंगी। और काजल अगर नहीं लगाना तो आप वाइट पेंसिल लगा लो, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा सकते हो आप आँखों के नीचे, और इसके साथ खेल सकते हो। और हाँ, बाल जो है ना, आई नो कि कभी कभी रोज़ धोने का मन नहीं करता, तो उसको ग्रीसी हो जाते हैं, तो उसको बस पाउडर लगाओ और उसको ऐसे करो, पीछे करो, और वो सारा जो ऑयल है सब कुछ ऐसे चला जाता है। एंड जस्ट टीज योर हेयर अ बिट, टीजिंग योर हेयर इज़ ऑलवेज गुड। यहाँ पे लोग इंडिया में यूजली बैक कॉमिंग कहते हैं, बट उसका वर्ड एक्चुअली बैक कॉमिंग नहीं है, इट्स कॉल्ड टीजिंग योर हेयर। तो क्योंकि बैक कॉमिंग जैसे ही आप बोलो तो लगता है कि बैक कॉमिंग, ओ माय गॉड, बाल खराब हो जाएंगे, तो वो बैक कॉमिंग नहीं होता, इट्स कॉल्ड टीजिंग योर हेयर। तो अगर आप थोड़ा सा भी करोगे ना, सिर्फ हल्के से बाउंस के लिए, तो वो आपके बाल खराब नहीं करेंगे, वो अच्छा ही लगता है। मैं खुद करती हूँ एंड अभी तक टच मेरे बालों को कुछ नहीं हुआ है। मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो इट्स बाय अजूली, बाय निकी मिरानी। ये वाला जो कॉस्ट्यूम है वो अजूली से है। इट्स अ फ्लोरल कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना है फॉर ऐसे ही, अगर आपको ऐसे बाहर कुछ ऐसे नॉर्मल पार्टी या लाउंजी सीन के लिए जाना, मतलब नॉर्मल ऐसे चिल आउट सीन के लिए बाहर जाना है, तो ये वाला जो है वो अजूली का है। द ज्वेलरी इज़ बाय मिनराली एंड माय हेयर इज़ डन बाय निक्की चावला। एंड मेरी प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो आप मुझे देख रहे हैं, वो तो आप जानते हैं, वो लव रानी इज़ शूटिंग मी ऑन इट। एंड जो मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है वो तो आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम किसका है वो मैं बाद में बताऊँ ना।
उसका सॉन्ग सुनते हैं डांस करने लेते हैं तो व्हाट यू वांट टू से व्हाट दैट That I'm an admirer. Yeah. That's what so I want to say. Like, like, I relate to her a lot. मुझे जब मैं उनको देख रही हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने आप को देख रही हूँ. And I know कि ऐसा हर लड़की को लगता है लेकिन मैं वो हर वैसी वाली बात नहीं कर रही हूँ. मैं genuinely मेरे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे खुद में जो कि बहुत सिमिलर है उनके साथ. तो जो जो मैंने उनका ऑफ स्क्रीन उनका बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन्स देखा है और जो ऑन कैमरा देखा है जैसे जब भी मेट का उनका कैरेक्टर दैट इज़ टोटल हुनर हाली इन रियल लाइफ वो कैसी है. और जो मैंने उनका बिहाइंड द कैमरा जो उनका मैंने देखा है तो दैट ऑल्सो इज़ देयर इज़ दिस टू मच ऑफ हुनर इन इट ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई आई लाइक मेरा भी जो जो आप अगर मुझे देखेंगे जैसे जैसे मैं अब जैसे ये हो गया मेरा जो बाल रखने का स्टाइल है शी ऑल्सो कीप्स अ हेयर लाइक दैट. तो ये भी बहुत बहुत सिमिलर है. इट्स नॉट कि मैं ऐसे कॉपी करके करती हूँ बट ऐसे होता है ना कि आपको ऐसे भगवान ने बना दिया ठीक है और जब बना दिया तो फिर उसके बाद आप सडनली ऐसे घर पे बैठे अच्छा जब भी मैं रिलीज़ हो रही है अच्छा ठीक है ओके फाइन तो आप जाते हो वहाँ पर पिक्चर देखने के जब भी मैं ये तो बिल्कुल ऐसी कर रही है जैसे मैं हूँ तो फिर आप फिर उसके बाद आप कुछ ऐसे देखते हो कि यू नो बिहाइंड द कैमरा जब आप जैसे अभी आप मुझे बिहाइंड द कैमरा शूट कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं तो आप उनकी इंटरव्यूज़ देखते हो तो उसमें होता है ना कि आप एक इंटरव्यू था देखते हो कि अरे इसमें तो आई कैन सी माई छावी यू नो दिस इज़ एग्जैक्टली जैसे मैं. तो इसीलिए मैं उनके साथ बहुत रिलेट करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स वेरी सिमिलर. What's your personal side statement? We are soul sisters. I should say that we are soul sisters. But what's your personal side statement? है ना मैं वही दिमाग में चल रहा अब देखो अब जैसे मैं आपको दिख रही हूँ तो that is my style statement of course.
स्टे हाइड्रेटेड, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पीते रहो, बहुत बहुत ज़्यादा पानी पियो, उससे आपका स्किन भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा. और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाओ. मैं इतने ज़्यादा फ्रूट्स, मतलब मुझे सब नहीं पसंद, मैं वाटरमेलन बहुत खाती हूँ बिकॉज वाटरमेलन मेरा फेवरेट फ्रूट है. तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी वाटरमेलन बहुत बहुत ज़्यादा खाओ, ठंडा भी होता है तो इट कीप्स यू हाइड्रेटेड फॉर समर्स के लिए. और नारियल पानी पिया करो, नारियल पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. दही ज़्यादा खाओ, दही इज़ वेरी गुड. मिल्क प्रोडक्ट्स जितने, जितना ठंडा यू कैन हैव ना. लस्सी, ओहो हो, लस्सी तो पियो ही पियो. अब मैं सरदार नहीं हूँ तो लस्सी की तो बात मैं ना करूँ वो हो नहीं सकता. सो और कॉटन के कपड़े, कॉटन यू कैन वेयर कॉटन के कपड़े और लाइट लाइट कलर के कपड़े पहनो तो वो इट मेक्स यू फील ऑल्सो वेरी कूल. I love you so much. I love all of you a lot. And thank you so much for giving me so much of love. Hamesha, hamesha, hamesha. And please, aap zarur, aapko main thank you bolungi. Aap Jaya ko bhi pasand kar rahe hain, jaise aapne mera har kirdaar pasand kiya hai. And haan, thank you aap Delhi's dekhne ke liye. And dekho, dekho, zarur dekho, 10:30 baje aata hai Star Plus pe. And filhal to Hunar Hali, isko dekho. हाँ, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझे सीरा पता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझे सीरा पता.